बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम होम मेड आपको टू फ्लेवर्स में म्यूनीज़ की रेसिपीज़ बता रहे हैं। एक हम बना रहे हैं ये तंदूरी म्यूनीज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चिकन टिक्का, पिज़्ज़ा वगैरह पे इनको लगा सकते हैं, सैंडविचेस वगैरह में इसको ड्रेसिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ग्रीन मायो, स्पाइसी मायो बनाएंगे हम, जो कि बहुत ही टेस्टी, और ये दोनों बहुत ही आसान लॉकडाउन स्पेशल म्यूनीज़ की रेसिपीज़ हैं, जो कि आगे चल के रमज़ान मुबारक में भी आपके बहुत काम आएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके लिए हमने हाफ हाफ कप जो है वो प्लेन म्यूनीज़ लिया है। म्यूनीज़ मैंने ऑलरेडी आपको पहले बनाना सिखाया हुआ है, तो म्यूनीज़ की मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। आप बाज़ार का भी म्यूनीज़ ले सकते हैं, प्लेन वाला म्यूनीज़ है ये। और अब हम चिकन टिक्का म्यूनीस जो बनाएंगे उसमें पहले ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चिकन टिक्का मसाला पाउडर, बाज़ार का, किसी भी कंपनी का, किसी भी आप ब्रांड का ले सकते हैं। और इसमें जाएगा साथ चिली सॉस। चिली सॉस जो है ये आप स्पाइसी करने के लिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, हाफ कप म्यूनीस में हाफ टी स्पून चिकन टिक्का, और 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, और 1 टीस्पून जो है वो चिली सॉस डाली है हमने, रेड चिली सॉस। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि जो चिकन टिक्का का कलर है वो अच्छी तरह से म्यूनीज़ के अंदर रच बस जाए। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर, फ्रूट कलर जो है वो इसमें ऐड करूँगी, ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा आए और इसका कलर भी अच्छा आए। अब आ जाते हैं हम ग्रीन सॉस या ग्रीन स्पाइसी मायो की तरफ। तो उसके लिए हरी चटनी रिसेंटली मैंने अभी आपको बनानी सिखाई थी, धनिया, पुदीना, अनारदाना, हरी मिर्च और इमली का पल्प डाल के उसको पेस्ट बनाया था, तो उसको हम लेंगे 1 टीस्पून जितना। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने हरी चटनी नहीं बनाई हुई तो आप धनिया, पुदीना और एक हरी मिर्च पीस के तो उसका पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसमें हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना जो है हरी मिर्च का और धनिया पुदीना का पेस्ट जो है वो ऐड किया है इसमें, और अच्छी तरह से मैं अब इसको मिक्स करूँगी। अभी ये देखें, ये दोनों ही म्यूनीज जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त आपके ये बन जाते हैं, और रमज़ान मुबारक के लिए आप मेक एंड इनको, इनके रमज़ान प्रिपरेशन के लिए बना के इनको आप सेव कर सकते हैं। तो 1 महीने में ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, तो आप रमज़ान मुबारक से पहले बना के बॉटल्स में आप रख सकते हैं। अब ये भी अच्छी तरह से मैंने म्यूनीस जो है मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं येलो फूड कलर डालूँगी, जो कि इसका तंदूरी कलर जो है वो ऑथेंटिक लेकर आएगा। ये देखें, इसमें येलो फूड कलर मैंने जस्ट 1 पिंच डाला है इसका कलर चेंज करने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप फूड कलर डालें या ना करें, लेकिन ये रेस्टोरेंट स्टाइल में फूड कलर से इसका फ्लेवर और उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसकी लुक जो है सेम वही हो जाएगी जो कि होटल्स वगैरह में आपको मिलता है तंदूरी मायो। तो दोनों म्यूनीस बहुत ज़बरदस्त हमारे माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं, ये ग्रीन चटनी म्यूनीस स्पाइसी मायो और इसके साथ तंदूरी मायो। तंदूरी म्यूनीस जो है ये भी और ग्रीन चटनी वाला म्यूनीस भी, इनके साथ इंशाल्लाह जल्द ही सैंडविचेस की बहुत ज़बरदस्त रेंज में आपको बनाना सिखाऊंगी। मुख्तलिफ़ तरह के क्लब सैंडविचेस बनाएंगे हम, पराठा रोल्स बनाएंगे इनके साथ, और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ तरह की ये डिप्स आपको मज़ीद भी बनाना सिखाएंगे। आज हम बारबेक्यू सॉस बनाना सिखा रहे हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले एक पैन को हल्का सा प्रीहीट करके इसमें हम कॉर्न ऑयल डाल रहे हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना कॉर्न ऑयल। दरअसल इसको आपको प्रिजर्व करने में, महफूज करने में मदद देगा, आप इसको 1 महीने तक फ्रिज में इजीली रख सकेंगे। तो सबसे पहले कॉर्न ऑयल डाल के इसमें इमली का पल्प हमने 1 प्याली जितना शामिल किया है। इमली जो है उसको 4 से 6 घंटे भिगो दीजिए और उसका पल्प निकाल के इसमें शामिल किया है। इसके बाद एक बड़ा प्याला जो है वो केचप डाली है हमने 250 ग्राम, और इसके बाद रेड चिली पेस्ट जो है, सेचुआन पेस्ट ये मेरे पास है, ये मैंने इसमें ऐड की है 1 प्याली। सेचुआन सॉस भी मैं आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
अब ये तकरीबन हाफ कप इसमें चिकन स्टॉक हमने यूज़ किया है। आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। अब ये रेड चिली सॉस तकरीबन इसमें हाफ कप जितनी मैंने ऐड कर दी है। इसमें आप वॉर्सटरशायर सॉस है अगर आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तीनों सॉसेस जो हैं अच्छी तरह से कंबाइन हो गई। अब इसमें जौगरी यानी कि गुड़ शामिल करेंगे 1 कप जितना। आप इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरत जो कलर आता है वो गुड़ से ही आता है इसका, और स्मोकी फ्लेवर भी। और आधा कप हमने सिरका ऐड किया है इसमें। अब इसको अच्छी तरह से पकने देंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त इससे रेसिपीज़ क्रिएट होती हैं, बारबेक्यू ग्रिल मुख्तलिफ तरह की। अब ये लेमन मेरे पास था 1 लेमन, तो वो मैंने इसके अंदर जो है अच्छी तरह स्क्वीज़ कर दिया है, निचोड़ दिया है। लेमन से भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। अब आपने फुल अच्छी तरह से इसको बॉयल होने देना है, पकने देना है 3 से 4 मिनट। अब ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ रहा है। तो इसके अंदर मैंने ये चाट मसाला डाला है। चाट मसाला ऑप्शनल है, आप रेड पेपर भी डाल सकते हैं, या मतलब अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। मैंने चाट मसाला डाला जिससे ज़रा खट्टा सा इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा। थोड़ा सा सिरका मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप हमने टोटल सिरका इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको गाढ़ा करने के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को हमने आधा कप पानी में मिक्स किया हुआ सलरी बनाई हुई है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे। जितनी हमें थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से इसको हम थिक करते जाएंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरह डिजोल्व होना चाहिए और अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा पक जाना चाहिए। अब ये इसका कलर जो ही देखे चेंज हो रहा है, तो ज़बरदस्त इस बेहतरीन सी ये उसकी खुशबू आने लग गई है। तो अब ये गाढ़ा हो गया है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। 4 से 6 घंटे के बाद जब अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इस तरह बॉटल्स बना के इसकी या फ्रिज में रख लीजिए। इनसे आप बारबेक्यू की बहुत वसी रेंज है, ग्रिल और सॉल्ट एंड सावर, और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त आप इसके साथ रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, स्वीट एंड सार चिकन विंग्स वगैरह, या चिकन 65, और मुख्तलिफ तरह के शाशलिक मंचूरियंस वगैरह में ये यूज़ की जाती है। इसके साथ इसके फ्राइड राइस भी बनते हैं बड़े ज़बरदस्त। मुख्तलिफ चीज़ें हम इससे वन बाई वन आपको आगे चल के बनाना सिखाएंगे, तो जल्दी से आज ही बना के इसको फ्रिज में रख लीजिए। आज मैं इमली खजूर आलू बखारे की चटनी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि समोसों के साथ, कचौरियों के साथ, चाट में, सब चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। ये मैंने आलू बखारे जो हैं ये मैंने भिगोए हुए थे 4 से 6 घंटे भिगो के, तो इनका पल्प निकाला है आलू बुखारों का। 1 कप जितना आलू बुखारों का पल्प है, यानी कि उसकी पेस्ट है। और इसके साथ साथ हमने 2 कप जो है इमली का पल्प इसमें शामिल करना है। इमली जो है वो तकरीबन मैंने इसमें 250 ग्राम ली है, 1 पाव इमली, और उसको 2-3 घंटे भिगो के, तो उसका भी पल्प निकाल के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये मैंने 2 कप इमली का पल्प, 1 कप जो है हमने आलू बुखारे का पल्प डाल के तो इसको पकने रख दिया है। अब ये देखें हल्का सा, अभी 5 मिनट हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसका जूस निकलना शुरू हुआ है पल्प का। तो इसके अंदर जो मसाले हम शामिल करेंगे, पहले ये खजूरें हमने भिगोई हुई थी जो, ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ गुठली निकाल के। तो फिर ये खजूरें हल्की सी मसली हैं मैंने हाथों से, 20 से 25 खजूरें थी, यानी कि 1 कप जो है खजूरों का पल्प है। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया है अच्छी तरह से। अब इसमें हम कुटा हुआ भुना हुआ जीरा डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। काला नमक इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। चाट मसाला इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच, और गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे। गरम मसाला स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं पसंद करते। तो तमाम चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें डालेंगे। अभी ज़ीरा, और हमने ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आपकी ये सॉस तैयार होगी, टेमरेंड इमली खजूर की चटनी। अब ये चीनी भी मैंने इसमें 1 कप जितनी चीनी शामिल कर दी है। चीनी आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप डाल लीजिए। मैंने रेगुलर शुगर ऐड की है। लॉकडाउन में बहुत ही स्पेशली रिफ्रेशिंग आपकी ये इमली खजूर
आलू बखारे की चटनी जो है तैयार होगी। ये देखें गाढ़ी होने पे आ गई है। मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया क्योंकि जब हमने पल्प बनाया तो उसमें ऑलरेडी पहले ही थोड़ा थोड़ा पानी था, तो इसलिए आप मज़ीद इसमें पानी नहीं डाला, इसको पकने देंगे। ये तकरीबन इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया है, स्लो फ्लेम पे मैंने बनाया है इसको। अब मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के साथ डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा पका के तो फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे, छान लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए, जिस तरह भी आपको मुनासिब लगता है। मैं इसको डायरेक्ट ही ग्राइंड करूँगी। अब ये मेरे पास हैंड बीटर था, हैंड ब्लेंडर था, इससे मैं इसको झटपट इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, सारी इसकी स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। बहुत ही मज़े की ये समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, चाट वगैरह, कचौरियों, हर तरह के दही भल्लों के साथ भी ये चटनी जो है ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसको आज ही बना के रख लीजिए, बहुत ही फ़ायदा है इसका, पूरे रमज़ान में इंशाल्लाह ताला आपके काम आएगी, और 2 महीने 3 महीने फ्रिज में भी रखें इंशाल्लाह ख़राब नहीं होती। तो इसको पकने देंगे अब हम मज़ीद हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे। 10 मिनट ये मज़ीद पकाया है और कलर देखें इसका कितना प्यारा हो गया है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको बना लीजिएगा, बल्कि आज ही बना के रख लीजिए, 2 से 3 महीने ये फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आपको परफेक्ट चीज़ सॉस बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मैक्रोनीस वगैरह के लिए, नाचोस वगैरह के लिए, जिंगर बर्गर्स के लिए, फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होगी। अब ये बटर हमने 4 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल में, गार्लिक हमने जो है 3 से 4 जवे लेके उसको हमने डाल के, और 4 चम्मच इसमें 1/4 कप मैदा डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। स्लो फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। आपने जस्ट इसको सौते करना है, मैदे को भूनना नहीं है। यूँ ही हल्का सा इसमें से आपको खुशबू आने लग जाए बटर की और गार्लिक की, तो फिर चिकन स्टॉक इसमें शामिल कर देंगे। चिकन स्टॉक जो है वो 2 कप्स जितना हमने इसमें ऐड किया है, और एवेपोरेटेड मिल्क जो है वो भी हमने इसमें 2 कप्स जितना डाला है। वैपोरेटेड मिल्क नहीं है तो फुल क्रीम मिल्क आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। जब ये वेल कंबाइन हो जाए और अब ये थिक होना शुरू हो जाएगा साथ ही, तो फिर इसके अंदर हम फुल क्रीम जो है टेट्रा पैक की या कोई भी आप ले सकते हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून जितना डाला है। उसके बाद मिक्स हर्ब्स हैं मेरे पास, रोज़मेरी और ओरिगैनो, इनको मैंने 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड कर दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। स्लो फ्लेम पे आपने सॉस को जो है वो थिक करना है, और साइडों से जो है वो अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करते जाना है। स्लो फ्लेम पे जितनी अच्छी आपकी सॉस बनती है, हाई फ्लेम पे ये नहीं बनती। तो अभी ये देखें इसमें लम्प्स जो हैं वो अच्छी तरह से आपने मिक्स करने हैं, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स वगैरह ना बन सकें। अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है क्योंकि एवेपोरेटेड मिल्क जो है उससे भी जो है ये गाढ़ी होती है, और इसके साथ साथ मैं इसमें क्रीम भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा अब ये जो ही थिक होना शुरू है, मैं इसमें स्वीट कॉर्न्स ऐड कर रही हूँ। स्वीट कॉर्न्स जो हैं ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें या ना डालें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। ये मेरे पास 1 कप जितने स्वीट कॉर्न फ्रेश जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और चेडर चीज़ मैं इसमें अभी ऐड करने लगी हूँ। 1 कप जितना चेडर चीज़ हमने ऐड कर दिया, और फ़ौरन से इसको मिक्स कर देंगे। आँच अब मैं इसकी बंद कर दूँगी, आँच हमने बंद कर दी है। अब इसको बस मिक्स करना है हमने बहुत अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी गाढ़ी हो रही है। तो अभी इसके अंदर मज़ीद हम चीज़ वगैरह ऐड करेंगे, और मैं इसमें फ़्रेश क्रीम जो है वो भी ऐड करूँगी। अब आँच आपने नहीं जलानी, और बाकी चीज़ें जो इसके अंदर आपने मिक्स करनी है वो आप देखते जाएँ। ये देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होनी शुरू हो गई है।
तो फ्रेश क्रीम इसके अंदर आप ऐड कर देंगे और साथ बाकी चीज़ें कुछ शामिल करेंगे। ये मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास, थोड़ा सा मैंने इसमें ये अजवाइन डाली है और थोड़ी सी इसमें फ्रेश क्रीम मैंने ऐड कर दी है, और साथ इसमें चीज़ स्लाइसेस थे मेरे पास, 2 से 3 जो है मोज़रेला चीज़ स्लाइसेस डाले हैं। इसके बाद अब ये देखें ये थिकनेस कितनी अच्छी इसकी आ गई। अब इसमें चेडर जो है, चेडर चीज़ हम, और इसके साथ आप पामिजान डाल सकते हैं। तो चेडर और मोज़रेला का जो है वो मैंने इसमें 50-50 ग्राम मज़ीद ऐड कर दिया है। 3 टाइप्स मैंने इसमें चीज़ ऐड किए हैं, सबसे पहले कॉटेज डाला था, उसके बाद मोज़रेला एंड चेडर डाला है। तो आप इसमें चीज़ जो हैं वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टमाटो पेस्ट बनाना सिखा रहे हैं, जो कि आप मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में शामिल कर सकते हैं। टमाटर जो हैं वो आपने रेड लेने हैं, पहले अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेंगे हम, धो लेंगे। टमाटोज़ जो हैं ये देखें फ्रेश बिल्कुल है, और सख्त वाले टमाटर लिए हैं मैंने, सॉफ्ट और नरम टमाटर नहीं लिए। इनको ब्लेंड कर लिया है बीजों समेत, छिलकों समेत मैंने इनको अभी ब्लेंड किया है, पील नहीं किया इनको। तो एक बड़े किसी भी पतीली में या सॉस पैन में, जिसमें भी आपने बनाना है, तो एक छलनी ले लीजिएगा और इनको छान लें, ब्लेंड करके तो छान लीजिए। मैंने तकरीबन आधा ग्लास पानी डाल के तो इन टमाटरों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह से ग्राइंड इस तरह कीजिएगा कि बिल्कुल ये पेस्ट की तरह हो जाए। अब ये जो है बहुत आराम से आपने सुकून से कोई भी छलनी स्टेनर लेकर तो अच्छी तरह से इनका जो पल्प है वो निकालना है, ताकि बीज और छिलके जो हैं वो इसके अलहदा हो जाएं, और जो हमें रिक्वायर है इसका जूस और पल्प वो अलहदा हो जाए। बहुत एहतियात से और आराम से मैं निकाल रही हूँ। अभी मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं पकाया, जस्ट मैंने इसको ग्राइंड किया है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंड करना है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं या ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, जब आपने इसको ग्राइंड करना है फ्लेवर देने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, जस्ट टोमेटोज ही डाले हैं। तो अगर आप इसमें गार्लिक डाल लेंगे तो फिर ये आपकी टोमेटो गार्लिक सॉस बन जाएगी, और अगर इसमें आप ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे तो आपकी टोमेटो चिली सॉस बन जाएगी। चलिए ये बहुत अच्छी तरह से ये देखें, थोड़ा सा मेहनत तलब सिर्फ यही काम है। थोड़ा सा इसको आपने निकालते वक्त ये देखें, अब बिल्कुल बेहतरीन से हमारे ये देखें छिलके और बीज जो है अलहदा हो गए, आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको साइड पे कर लेते हैं आप, बिल्कुल ये देखें इसमें सिर्फ छिलके और बीज रह गए। इनको भी हम यूज़ कर लेंगे किसी ना किसी खाने में, कढ़ाई वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा हर्ज नहीं है, इनको ज़ाया ना करें। अब ये एक बाउल मैंने नीचे रखा हुआ था ताकि स्टेनर जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से डिप ना हो जाए। अब इसको हल्की आंच पे हम कुक करेंगे, इतना इसको कुक करेंगे कि थोड़ा सा पहले इसको बॉयल आना शुरू हो जाए। तो इसके अंदर साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जितना नमक। नमक जो है वो इसको प्रिजर्वेशन के लिए भी काम आएगा, इसको प्रिजर्व करने के लिए नमक जो है 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सॉल्ट जो है वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी जो इसमें आपको फफूंदी वगैरह या फंगस ना लगे। और ये मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा और गरम मसाले का 1 चम्मच डाला है इसमें। गरम मसाला ऑप्शनल है, गरम मसाला से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसमें बादिया खटाई की खुशबू आएगी, दालचीनी की खुशबू आएगी, लौंग इलायची की खुशबू आएगी, तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें। ये देखें इसको पकते पकते तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, ये मेरी बहुत ज़बरदस्त मैं आपको टिप दे रही हूँ, इससे बिल्कुल भी सॉस जो है इंशाल्लाह आपकी ये ख़राब नहीं होगी। तकरीबन 1/2 कप जितना आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, ऑलिव ऑयल नहीं है तो कॉर्न ऑयल डाल लें या रेगुलर ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं।
कोशिश किया करें कि जो भी ऑयल यूज़ करें आप हेल्दी ऑयल यूज़ करें, कोई भी कैनोला का या सनफ्लावर या ऑलिव ऑयल कोई भी यूज़ करें, ठीक है। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये थिक होना शुरू हो गई है हमारी सॉस। थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें इसको हमने थिक करना है, इतना थिक करना है कि जब हम इसको दोबारा से निकालें तो आपको पता चल रहा होगा इसकी साइडों पे किनारे जो हैं वो ये छोड़ने लग जाएगा, बबल्स जो हैं इसके ये कम हो जाएंगे और अच्छी तरह से ये सॉस गाढ़ी होने की निशानी जो है वो आगे मैं आपको अब दिखाती हूँ, जब ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इतनी गाढ़ी हो जाएगी ये पेस्ट की तरह, पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगी। तो तकरीबन आधे घंटा इसको लग जाता है आपकी ये प्यूरी या सॉस बनने में। ये देखें मज़ीद अभी गाढ़ा हो रहा है, तो बहुत एहतियात से आपने इसको पकाते जाना है। ये देखें ये अब गाढ़ी हो गई है, ठंडी हो गई है, देखें मज़ीद गाढ़ी हो गई है। देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है, देखें कितनी थिक हो गई है। तो अब मैं इसको, ये मेरे पास आइस क्यूब्स हैं तो इनके अंदर मैं इस तरह से ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इस तरह से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक दफ़ा आइस क्यूब्स में डाल के इनको फ्रीज़ कर लें, बाद में क्यूब्स जो हैं वो आप किसी जिप लॉक बैग में डाल सकते हैं लैदा से भी। तो इसके साथ साथ दूसरा जो तरीका है, आप किसी बॉटल वगैरह में डाल सकते हैं इसको। तो पहले अच्छी तरह से किनारे जो हैं ये मैंने सब इकट्ठा कर दिया इसको, सॉस को। अब मेरे पास एक बॉटल थी, आप शीशे की ले लें, ग्लास बॉटल या कोई भी बॉटल ले लें। तो इसको ये 1 महीना इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है और सॉल्ट जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी, यानी कि 2 बड़े चम्मच हमने नमक डाला है इसमें। तो जब भी आप प्योरी ये सालन में डालेंगे या किसी भी चीज़ में, तो फिर आप इसमें नमक जो है वो चख के फिर ऐड कीजिएगा। नमक इसमें इसको प्रिजर्वेशन के लिए काम आएगा, यानी कि इसको महफूज करने के लिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैं इसके ऊपर से भी ऐड कर रही हूँ, तो इस तरह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, तो ज़रूर ट्राई करना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की 4 अमेजिंग डिप्स लेकर आए हैं और सॉसेस की रेसिपीज़, जिनसे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आप इजीली बच्चों के लिए या अपने लिए पार्टी वगैरह में बना सकते हैं, और इन सॉसेस को आप 1 से 1.5 महीना इजीली फ्रिज में रख सकते हैं। सबसे पहले सॉसेस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये एक प्याली में, ये मेरे पास जो है प्लेन जो है चीज सॉस है। इसके अलावा ये, इसमें मैंने म्यूनीस और मस्टर्ड पेस्ट डाली हुई है। इसमें म्यूनीस और हरी मिर्च का और धनिया का पेस्ट डाला है, और इसमें ये सेशवान सॉस है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बनानी सिखाई हुई है पहले से भी। तो अब इनसे हम जो है मज़ीद सॉसेस जो हैं वो तैयार करेंगे। तो प्लेन क्रीम चीज़ सॉस जो है, क्रीम चीज़ आपने 4 टेबल स्पून ले लेनी है, और इसमें चीज़ डाल देना है, क्रश किया हुआ चीज़ 2 टेबल स्पून जितना ऐड करके। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अल्फ्रेडो सॉस आपकी फ़ौरन झटपट से तैयार हो जाएगी। इसको हम अच्छी तरह से बाद में मिक्स करेंगे, और इसको मैं थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से चीज़ जो है हमारी इसमें मिक्स हो जाए। और दूसरी सॉस जो है, ये हमने इसमें गाजर और खीरा शामिल करेंगे। इसमें हमने खीरा शामिल करना है ग्रीन सॉस में। ग्रीन सॉस जो है इसमें हमने म्यूनीस ऐड किया है 1/2 कप, और इसमें एक खीरा जो है वो चॉप करके डाला है, और हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट डाला है। और अब ये जो मस्टर्ड पेस्ट आपको नज़र आ रही है, इसमें म्यूनीस 4 टेबल स्पून म्यूनीस है और 1 टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट है। तो ये आपकी मस्टर्ड सॉस जो है बेहतरीन सी झटपट सी तैयार हो जाएगी। इनमें स्पाइसेस आपको ऐड नहीं करने पड़ते, क्योंकि चिली सॉस, इस ये जो हॉट सॉस बनाई है मैंने, इसमें खीरा है, इसमें हरी मिर्च है, इसमें धनिया पिसा हुआ है, और इसमें म्यूनीस है। म्यूनीस जो है 1/2 कप है, और उसके अंदर हमने धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो डाला है। हरी मिर्च आप ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब ये सेशवान सॉस जो है, ये मैं थोड़ी सी मिकदार में लेके, तो इसके अंदर अब जो है दूसरी सॉस बनाऊँगी सेशवान सॉस के लिए।
ये सारी सॉसेस इसमें हम कैरेट्स शामिल कर रहे हैं। ये सारी फिलिंग्स जो हैं, ये आपको जितनी भी हमने रेसिपीज़ ऑलरेडी पहले दिखाई हैं उन सब में ये यूज़ होंगी। तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आप रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। आज आप लोगों की फरमाइश पे दोबारा से मैं वेज स्प्रेड जो होती है मियोनीज की, वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। सैंडविच स्प्रेड जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए आप मियोनीज का एक पैकेट ले लीजिए। ये 1 महीने के लिए, आप रमज़ान मुबारक के लिए बना के रख रहे हैं, तो पूरा 1 किलो का पैकेट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आएगी। स्प्रेड जो बनी हुई होगी आपकी, पूरा मैंने 1 किलो का पैकेट जो है पाउच, वो मैंने म्यूनिस का डाल दिया। आप होममेड म्यूनिस भी ले सकते हैं, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। रेड चिली सॉस 3 टेबल स्पून मैंने डाली है। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें सिरका शामिल करूंगी, 1/4 कप जितना। सिरका जो है इसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करेगा, यानी कि महफूज रखेगा 1 महीने तक। और जो इसमें हमने सब्जियां शामिल करनी हैं उनको भी पिकल्ड कर देगा, उससे भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह से, तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब अच्छी तरह से हमने मेयोनीज़ में ये तमाम चीज़ें मिक्स की हैं, तो अब इसमें हम काली मिर्च, नमक जो है वो ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना। आप अपने पसंद के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा नमक मिर्च कर सकते हैं। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर जो है वो शामिल की है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पानी नहीं छोड़ती, इस वजह से ये मेयोनीज़ के लिए आइडियल हैं, आपका वेज मेयोनीज़ बनाने के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का आपका ये मेयोनीज़ तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। मैंने ये स्पाइसी मेयोनीज़ बनाई है, वेज मेयोनीज़, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी, ये देखें मेयोनीज़ तैयार हो गई है, वेज मेयोनीज़। इसके साथ साथ जो है इसको आपने सेफ कैसे करना है, कोई भी बॉटल जार वगैरह ले लीजिए, तो उसमें आप इसको शीशे के जार में रखिएगा, प्लास्टिक के कंटेनर में मत रखिएगा। जैम की बॉटल या कोई भी शीशे के जार वगैरह हो तो उसमें डाल दीजिएगा, उसमें ये बिल्कुल महफूज रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आज हम ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस बनाएंगे, होममेड चिकन स्प्रेड और वेजिटेबल स्प्रेड के साथ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। हमने ये बॉयल चिकन लिया हुआ है तकरीबन 1 कप जितना। 1 कप आपने उबला हुआ चिकन, इसमें हल्का सा नमक डाल के, तो हमने इसको बॉयल कर लिया चिकन को। तकरीबन 250 ग्राम जितना चिकन है बोनलेस। अब इसके अंदर तकरीबन म्यूनिस जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप जितना। होममेड म्यूनिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो रेसिपी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 तरह के म्यूनिस जो हैं वो सिखाए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और ये मेरे पास है चीज़ सॉस, चीज़ सॉस भी मैंने आपको कई दफ़ा बनानी सिखाई है। 1 कप जितनी मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़ सॉस। अगर नहीं है आपके पास चीज़ सॉस तो फिर आप 1 कप चिकन और 1 कप आप इसमें चिकन म्यूनिस डाल लीजिएगा, और बंद गोभी भी 1 कप ही जाएगी इसके अंदर। चिकन 1 कप उबला हुआ और चीज़ सॉस 1 कप, आधा कप जो है मेयोनीज और बंद गोभी 1 कप डाल के, तो बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये आपकी जो है चिकन स्प्रेड होममेड बन जाती है, और इजीली आप इसको हफ्ता भर के लिए रख सकते हैं। इसमें काली मिर्च जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून डाली है, ब्लैक पेपर, आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। काली मिर्च जो है वो मैंने इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून डाली है, और नमक जो है वो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चीज़ सॉस में मेरे ऑलरेडी नमक था, मैंने इसलिए इसमें नमक नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी क्वांटिटी में चिकन स्प्रेड लेके, तो इसके अंदर शामिल करते हैं थोड़ी सी सब्ज़ी, इसको टेस्टी और वेजिटेबल स्प्रेड बनाने के लिए। टमाटर, खीरा और बंद गोभी कद्दूकस की हुई, 2-2 चम्मच ले लें, 3-3 चम्मच ले लें, बहुत ही बेहतरीन आपकी ये सैंडविच स्प्रेड बन जाएगी। थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे केचप, केचप
केचप जो है ये 2 टेबल स्पून जितनी डालिए। अब तमाम चीज़ों को कर देंगे मिक्स। थोड़ी सी मैं चीज़ सॉस इसमें और डाल रही हूँ कि बच्चों को जो है चीज़ का फ्लेवर और चीज़ी सैंडविचेस हमेशा से ही पसंद आते हैं, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इस सैंडविच स्प्रेड को आप बना के तो फौरन ही यूज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, अदरवाइज़ ये ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है क्योंकि इसके अंदर खीरे हैं, तो आप इसके एहतियात से यूज़ कीजिएगा। टमाटर, खीरे, बंद गोभी, आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, हरा वाला प्याज भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त ये आपकी वेजिटेबल एंड चिकन स्प्रेड तैयार है। तो आप बनाते हैं इसके सैंडविचेस। ये मेरे पास है चिकन स्प्रेड जो कि मैंने सबसे पहले आपको बनानी सिखाई थी, और इसके साथ ही थोड़ी सी मैंने इसके अंदर वेजिटेबल स्प्रेड जो है वो मिक्स कर ली। अब इसको हम अप्लाई करेंगे ब्रेड सैंडविचेस ब्रेड पे। मेरे पास ये बड़े साइज़ के सैंडविचेस ब्रेड है, आप जिस साइज़ में भी आपके पास ब्रेड हो आप उस पर ये अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही चीज़ी और बहुत ही फ्लेवरफुल ये स्प्रेड बनती है, और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में या टिफ़िन में, या आप स्कूल से आते हैं बच्चे, या नाश्ते में आप दें, जिस तरह भी देंगे बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह लगेंगे। आप इसमें चाहें तो एक साइड पे आप मक्खन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं लगाया मक्खन, जो है वो मैं इसको ग्रिल करने के लिए ऊपर से इसमें अप्लाई करूँगी। तो चीज़ सॉस और ये चिकन का जो कम्बिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल बन जाता है, तो अच्छी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सारी लगाएं ताकि बच्चे भी खुश होकर खाएं। तो अब दूसरा इसको ऊपर से अच्छी तरह से दबा देंगे। तो अब इनको ग्रिल करना है, तो पहले हम इन पे हल्का हल्का मक्खन लगा लेते हैं, फ्रेश मक्खन। अभी ये मैंने फ्रिज से निकाला है, ये थोड़ा थोड़ा ठंडा है। आप बाहर रूम टेम्परेचर पे आपके पास जो बटर होगा आप वो लगा लीजिएगा, अगर नहीं है बटर तो आप तवे के ऊपर हल्का सा तेल डाल के कुकिंग ऑयल, तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं जैसे आपको आसानी रहे। तो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से मक्खन लगा दिया है, बटर लगाया है तकरीबन हाफ हाफ टी स्पून। बच्चों के लिए मक्खन जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये ग्रिल पैन है मेरे पास, अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पे भी इसको रख सकते हैं। अब ये मक्खन वाली साइड जो है पहले इसको हम इस पे रखेंगे, और ये हमारा ग्रिल पैन फुल गर्म है इस टाइम, मीडियम फ्लेम पे हमने रखा हुआ है 4 से 5 मिनट से, तो अब ये बहुत गर्म है। इस पे अच्छी तरह से सिक जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। इसमें मैं देखूंगी कि साइज़ क्या इसमें बेहतरीन आएगा, दूसरा अगर नहीं आएगा तो उसको हाफ ऑफ करके तो फिर डाल देते हैं। अब दूसरी साइड पे थोड़ा सा ये देखें इस तरह ऑयल ग्रीस जैसे मैं कर रही हूँ, बस इस तरह तवे पे भी आप ऑयल डाल सकते हैं। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल था, तो मैंने इस पे हाफ टी स्पून जो है ऑलिव ऑयल ब्रश कर दिया है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या घर का आम जो कुकिंग ऑयल होता है वो तवे पे लगा के, तो इनको हाफ कट करके भी आप सैंडविचेस को जैसे ये मैंने काटे हुए देखें, क्योंकि इसमें मेरे कैपेसिटी जो है इतनी नहीं थी, तो इस वजह से इसका साइज़ बड़ा साइज़ था ब्रेड का, मैंने इसलिए इसको स्पेस देने के लिए, जगह का अंदाज़ा लगाने के लिए इसमें ऐसे रखे हैं। अब ये इसको टर्न करती हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इसका एक साइड जो है सिक गई है, कलर अच्छा आ गया, तो दूसरी साइड जो है वो भी हम अच्छी तरह से उसको भी सेकेंगे। ये देखें इस तरह से, अब हमने ऊपर मक्खन वगैरह कुछ नहीं लगाया क्योंकि नीचे हमने अब ग्रीस कर लिया इसको ऑयल से, तो अच्छी तरह से दबाना है आपने ताकि अच्छी तरह सुपर क्रिस्पी क्रंची हो जाए अंदर से, जूसी और चिकन चीज़ का फ्लेवर। अगर आप इसमें मोजरेला या चेडर के स्लाइसेस रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त आपके बन जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा बटर फिर लगा रही हूँ। मक्खन जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसकी जगह देसी घी अगर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा, बड़े भी इसको इंजॉय करेंगे और बच्चे भी। हाँ, जब हम इसकी बंद कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है हमारी ग्रिल, तो कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया है, क्रिस्पी कलर आ गए हैं इसके। तो इसी तरह से सारी जो हैं वो हम ब्रेड को सेक लेंगे। ये देखें इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अंदर इसके चीज़ की फिलिंग और चिकन की फिलिंग है वेजिटेबल्स के साथ, तो
एक से दो मिनट इसको मज़ीद रखते हैं। ये वाला जो है बड़ा वाला हो गया, ये देखें बेहतरीन हो गया हमारा। इसी तरह सारे बना लेते हैं। अब ये देखें इस तरह से, ये मैंने एक साइड अभी सेकी, दूसरी थोड़ी कम कलर आया लेकिन बहुत क्रिस्पी बने हमारे। बाकी भी मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। जितनी क्वांटिटी चाहिए हो आप उतनी बनाएं। इसको रमज़ान में इफ्तार में बच्चों को दें, बड़ों को दें, या ईद की ट्रॉली के लिए अपने गेस्ट वगैरह के लिए, मेहमानों के लिए रख सकते हैं। बहुत ही मज़े के और झटपट बनने वाले चिकन एंड चीज़ ग्रिल्ड सैंडविचेस आपके तैयार हैं। तो बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आएंगे। रमज़ान मुबारक में इनको बनाइएगा, या ईद की ट्रॉली के लिए बनाइएगा, या बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये आपको सैंडविचेस जो हैं बहुत पसंद आएंगे, और इसकी सैंडविचेस की जो स्प्रेड हमने बनानी सिखाई है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे बनाना चाहें तो एक दिन पहले आप बना के इसको रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आज के सैंडविचेस। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।